हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सिविल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा और ये वीडियो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें हम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे सीपीसी के, और मैं गगनदीप सिंह studies.in से ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको रिसेंट अपडेट्स मिल पाएँ फ्यूचर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, ताकि आपको फर्दर समझ आ पाए बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं लॉ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं पहला सिविल लॉज और दूसरा क्रिमिनल लॉज विदाउट एनी प्रेफरेंस, मैं दो सेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज, और दोनों में हम ब्रीफली ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है ताकि हमें दोनों लॉज समझने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल लॉज की। कोई भी ऐसा इवेंट जो कि दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के बेसिस पे कोई डिस्प्यूट अराइज करता है तो वो फॉल करेगा सिविल लॉज में। अभी मैं इसका एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलिए ए ने बी को प्रॉमिस किया कि तुम्हें 13 दिसंबर को मैं 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स सप्लाई करूँगा, और बी ने उसके बदले में कुछ एडवांस दिया ए पर्सन को, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं अमाउंट 1,00,000 रुपया। अब 13 दिसंबर को अगर ए अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता और बी पैसा एडवांस दे चुका है, तो इस केस में अगर ए अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता, पहली बात, जो बी ने उसको एडवांस दिया उसको वो वापस मिलना चाहिए, और अगर बी को बिकॉज ऑफ दिस नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कोई भी ऐसा नुकसान डैमेज इंकर होता है तो बी का ये राइट बनता है कि उसको रिकवर किया जाए। तो अराइज होगा आपका सिविल डिस्प्यूट। और अगर यही बात मैं एग्जांपल लेता हूं कि ए ने बी का मर्डर कमिट किया, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो सोसाइटी एट लार्ज में एक डर पैदा करता है, उनको हम कवर करते हैं क्रिमिनल लॉज में। एग्जांपल के तौर पे क्रिमिनल लॉज मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड ये डिफाइन करता है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उनके प्रोसीजर डिफाइन करता है कि उस ऑफेंस के रिगार्डिंग हमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, और इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन करता है कि केस के रिगार्डिंग कौन से एविडेंसेस रेलेवेंट है और कौन से एविडेंसेस रेलेवेंट नहीं है। अब जानते हैं कि सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। जब ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अगर कोई भी रॉन्ग डूअर पार्टी है, ऐसे तो कोई भी पर्टिकुलर पार्टी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ना फुलफिल करते हुए सिर्फ जो भी बेनिफिट अराइज हुआ दूसरी पार्टी से उसको सिर्फ वो बेनिफिट वापस कर देगी, बट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बार बार फेल ना हो तो इस केसेस में जो रेमेडी है दैट इज कंपनसेशन, मतलब किसी भी तरह के अगर जिस पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ वो ब्रीच मेकर, मतलब जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच किया, उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। किसके रिगार्डिंग? डैमेजेस के रिगार्डिंग, अपने जो बेनिफिट उसने प्रोवाइड किए दूसरी पार्टी को रेस्टिट्यूशन क्लेम कर सकती है,
और इसके रिगार्डिंग चलेगा सिविल केस. बट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मोटिव क्या है, क्रिमिनल लॉज का मोटिव क्या है? इट इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर, पनिश द रॉन्ग डूअर, ताकि सोसाइटी में ऐसे नेगेटिव वेव्स ना फैलें. और जैसे ही कोई पर्सन कोई रॉन्ग कमिट करता है उसको पनिश करना, ताकि लॉ की तरफ से ऐसा कुछ एग्जांपल सेट किया जाए लोग उस ऑफेंस को फिर से कमिट ना करें. एग्जांपल के तौर पे जैसे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकॉयटी, ये सब क्या हैं? क्रिमिनल ऑफेंसेस. और अगर हम सिविल लॉ की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉज, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सब क्या हैं? सिविल लॉज. चलिए फ्रेंड्स, हम सीपीसी की बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सीपीसी एज अ एक्ट, उसके मेन डेट्स कौन कौन सी हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए याद रखनी है. और सबसे पहले आप नोट कीजिए, जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, इसकी इनेक्टमेंट डेट है, इट वॉज इनेक्टेड ऑन 21st March 1908. नेक्स्ट जो है, इट केम इन टू फोर्स ऑन 1st January 1909. तो आप इन डेट्स को बहुत ध्यान से रखिए. ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पुट किया जाता है कि व्हेन वाज सीपीसी इनेक्टेड, दैट वाज March 1908 एंड इट केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1st January 1909. नेक्स्ट देखने हैं, सीपीसी में टोटल 158 सेक्शंस और 51 ऑर्डर्स कवर्ड हैं. अगर हम बात करें इन केस, अगर सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शंस और जो ऑर्डर्स में मेंशनड है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, मतलब अगर दोनों जगह कोई पॉइंट कवर्ड है और कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस केस में सेक्शंस विल प्रिवेल एंड नॉट ऑर्डर्स. और यहाँ पे आपको मैं रीजन बताता हूँ कि सेक्शंस क्यों प्रिवेल करेंगे और ऑर्डर प्रिवेल क्यों नहीं करेगा. क्योंकि जो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस हैं, दे आर बाय पार्लियामेंट, एंड इन केस ऑफ ऑर्डर्स बाय हाई कोर्ट, तभी इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन टू द सेक्शंस विल प्रिवेल एंड नॉट द ऑर्डर नंबर. और यहाँ पे हम नॉर्मली एक चीज बोलते हैं कि दैट सेक्शंस कवर द मेन एरिया ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, और जो ऑर्डर्स हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर, दे आर बेसिकली कवर्ड अंडर फर्स्ट स्केड्यूल. तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो सेक्शंस, टोटल सबसे पहली बात 158 सेक्शंस, 51 ऑर्डर्स, एंड द ऑर्डर्स आर कवर्ड अंडर फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908. अब हम एक और चीज समझते हैं कि बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड को बनाने का मेन मोटिव क्या था. चीज समझिए, मान के चलिए देयर आर टू पार्टीज, पार्टी ए एंड पार्टी बी, दोनों पार्टीज में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाया या पूरे का पूरा परफॉर्म नहीं हुआ. अब अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट है. और अगर वो परफॉर्म नहीं हुआ, दैट मीन्स कि अब क्या हो गया, इट इज टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जिस पार्टी ने ब्रीच किया, मान के चलिए ए ने बी को कोई गुड सप्लाई करने थे और ए ने सप्लाई नहीं की है, तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है वो मांगेगी रिलीफ.
अब रिलीफ या तो कंपनसेशन की फॉर्म में होगा या फिर एज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कीजिए, या फिर इट विल बी अ इन द फॉर्म ऑफ अ स्टे, जिसको हम बोलते हैं इंजंक्शन। तो इन केसेस के लिए जो पार्टी बी है, अगर ए ने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, तो जो पार्टी बी है ये क्या करेगी, द पार्टी बी विल इंस्टीट्यूट अ सूट, एंड फॉर सूट एवरीथिंग दैट वी नीड टू फॉलो इट इज कवर अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सिविल प्रोसीजर कोड के नेक्स्ट वीडियोस देख पाएं, और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको साथ के साथ अपडेट्स मिल पाएं। थैंक्स अ लॉट।